ओहो, ये पहाड़ वाला रास्ता है, पहाड़ वाली फीलिंग अभी से आ रही है। ऐसे सिया जी, पैर तिरछे करके अभी हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं कद्दू उद्दू निकाला जा रहा है। हम लोगों का घूमना टहलना हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। बीच खाई अभी है, कोई दिक्कत नहीं। और वो सिया जी, भजिया तल रही है, इसको हमारे यहाँ पकौड़ी कहते हैं। नहीं, वहीं आ गए सिया जी हम लोग उसी नाले के पास में। मैं जा रहा हूँ मार्केट। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल विशाल एंड सिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। मॉर्निंग हो चुकी है, पानी भर गया क्या टंकी का? बाहर गिर रहा पानी, बाहर टंकी भर गई, इसके लिए पानी बाहर गिर रहा है, बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज धूप हो रही है। सिया जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बन रही मैगी, मैगी बना रहे हैं सिया जी। गर्मी है, चाय रेडी है, तो हमारे यहाँ मैगी बनकर आ गई है। सो हार्ड मैगी और चाय का नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गुड इवनिंग गाइस, शाम हो गई है, सिया जी लगी हैं स्नैक्स की तैयारी में। लेकिन क्या बना रहे हैं सिया जी, क्या बना रहे हैं? ओह सिया जी, भजिया तल रही हैं, इसको हमारे यहाँ पकौड़ी कहते हैं। भजिया तल रही हैं, दो ही लोग हैं मैं और सिया जी। बनाइए फिर, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं बाहर क्या नज़ारा है। मौसम दिन दिन बदलता जा रहा है, यहाँ का नज़ारा देखते हैं कैसा है। तो गाइस, यहाँ पे हमारी भजिया आ चुकी है और चाय भी आ चुका है, तो चलते हैं फिर, देखते हैं, टेस्ट लेते हैं भजिया का। हाँ, देख सकते हैं वेदर की क्या स्थिति बन रही है, द वेदर हैज टोटली चेंज्ड। और यहाँ की मिट्टी देख रहे हैं अब धीरे धीरे बालू में तब्दील होती जा रही है, बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। मिट्टी कैसी होती जा रही है, धूल में, धूल और बालू में मिट्टी यहाँ पे बदल रही है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। उमस वाली गर्मी का दिन अब शुरू हो गया है, उमस भरी गर्मी पड़ती रहेगी, बरसात के दिन आ जाएंगे तो उसमें और गर्मी होती है। थैंक्स, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया है, और कीवी काटे हैं, अभी तरबूज काटना है। देखिए मिस्टर जी क्या कर रहे हैं, कीवी न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। नमक डाली है? हाँ, अभी हम लोग खा रहे हैं कीवी। हम लोग कीवी खा लिए हैं, अब जा रहे हैं तरबूज काटने। ये सिया जी काट रहे हैं तरबूज, देखते हैं कैसा है, पका है कि नहीं।
ऐसा है। हाँ सही है। हाँ अभी अब शुरू हो गया है, ऐसे ही आएगा थोड़ा सा और गर्मी बढ़ेगी और अच्छा आएगा। फॉक नहीं लाएं क्या? कैसे लाएंगे? फॉक ले जाएगी लेकिन काटने की स्टाइल तरबूज काटने की स्टाइल देखिए। वाह ठीक है, फॉक लाइए, फॉक से खाते बनाएगा। नहीं बीज खाइए और वो फ्रूट चाट लेते हैं, फ्रूट चाट सही है। बीज खाई जाती है बाकी काटते रहिए इतना में काम नहीं होगा। अच्छा जब छोटे थे तो सारे गाँव में ऐसे ऐसे भी खाया जाता है, पतला पतला स्लाइस करके। गाइस हम लोग चल रहे हैं घूमने टहलने घूमने नदी किनारे सब मैदानी एरिया में। काफ़ी दिन बाद हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं क्या कंडीशन। जब पहले सरसों और खेत हरे भरे थे तब हम लोग जाया करते थे, और इस समय कंडीशन आपको दिखाते हैं क्या स्थिति इसमें है। तो आ गए हम लोग गंगा जी के किनारे, नाला के अभी तो फिलहाल नाले के किनारे हैं। तो चलते हैं, रास्ता थोड़ा टेम्प्रेरी रास्ता है। ओहो ये पहाड़ों वाला रास्ता है, पहाड़ों वाली फीलिंग अभी से आ रही है। ऐसे सिया जी पैर तिरछे करके, पैर तिरछे करके सर के ना। हाँ रास्ता बड़ी गड़बड़ है, रास्ता पार हो गए, रास्ता हम लोग शॉर्टकट से आ रहे हैं। ऐसे नाला है ये जो सामने से जाता है गंगा जी में, बाकी तो उधर से रास्ता है, अच्छी रास्ता उधर फोर व्हीलर जाती है किनारे तक, लेकिन हम लोग शॉर्टकट निकल रहे हैं, ज़्यादा ना घूमना पड़े इसके लिए, इधर तो रास्ता बनी हुई है। आगे हम लोग किनारे पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं पूरा मैदान हो गया। पहले सरसों गेहूँ जौ चना सब था, मंसूर भी थी और अलसी थी, सब सब देख सकते हैं सब। इसमें सब पूरा मैदान है। अब कुछ दिन में जून, इतना तेज़ गर्मी पड़ रही है, मई जून तक आते आते पूरा यहाँ पे धूल और बालू में पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा। दिखाते हैं आपको यहाँ पर, देखिए ऊँट से लोग लाते हैं तरबूज खरबूज। हाँ पूरा धूल धूल हो जाएगा, इतना मिट्टी देख नहीं रहे हैं, पूरा बारीक हो जाएगा, देसी पाउडर शुरू हो जाएगा। किसान लोग अपना अनाज, अनाज तो नहीं भूसा केवल अभी छोड़े हैं, बाकी अनाज सब लोग ले गए। बाकी देख सकते हैं ये किनारे किनारे पे ये शहर बसा हुआ है, बाकी ये गंगा जी का कछार है। सब लड़के आए हैं घूमने, कुछ फैमिली वाले भी आए हैं, आते हैं लोग शाम को घूमने के लिए टहलने के लिए। मैदान है, पार्क से अच्छा यही है कि दो चार किलोमीटर लोग घूम टहल लें। अब आ गए हम लोग किनारे पे, गंगा जी किनारे, क्यों सी है यहाँ से फिर उधर जाने के लिए काफ़ी दूरी चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब खेती हुई है। अच्छा पहले ये सब बहुत छोटा छोटा था, हम लोग जब पहले आते थे ये सब बहुत छोटा छोटा था, तब बोए थे उस समय, और अब जो है यहाँ पे कद्दू परवल लौकी खीरा ये सब निकल रहा है। देखिए बेचारे कितना मेहनत करते हैं लोग, किसान तो मेहनत करता ही है। और इधर देखिए खेत पूरा साफ हो गया है, इसमें पूरा चिकना है। अब हम लोग अगर गंगा जी के किनारे जाते हैं, मेन गंगा जी में जो उनकी मेन धारा है मेन स्ट्रीम है, तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को काफ़ी दूर चलना पड़ेगा, करीब 2 किलोमीटर बालू में, क्योंकि अब दूरी बढ़ गई है, पहले तो नज़दीक में ही थे और पहले थोड़ा मौसम अच्छा था,
हरा भरा लगता था, दिक्कत नहीं होती थी। चलिए फिर चलते हैं जहाँ तक हम लोगों जा पाते हैं, फिर वापस भी लौटना है। ऐसे भी हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं कद्दू निकाला जा रहा है। कद्दू लेना है आपको? कद्दू लेना मिल जाएगा, ताज़ा मिल जाएगा। कद्दू पूड़ी चावल चावल के आटा की पूड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो चलिए फिर हम लोगों का घूमना टहलना हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। सूर्य अस्त हो गया है, धीरे धीरे अब बढ़ने वाला है। चलिए हम लोग अब वापस चलते हैं घर की तरफ। रोज़ 2 किलोमीटर टहलना घूमना चाहिए। वैसे यहाँ का दृश्य तो यही है, यहाँ पे गांव वाली फीलिंग आती है, लगता है कि गांव में है। गांव में अब फसल कट रही है, पूरा मैदान हो गया, लड़के अब क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे, पूरी की पूरी गांव वाली फीलिंग। लेकिन गांव वाली फीलिंग अब जैसे यहाँ पे लोग टहलने आते हैं, ये फीलिंग नहीं आती है कि गांव में लोग पैंट शर्ट पहन के बढ़िया से सूट बूट में लोग टहलने आए हैं और इतने बड़ी संख्या में लड़के आए। बस अंतर इतना है, बाकी तो खेत खलिहान हर जगह वही सेम। जी फिर वापस होते हैं हम लोग। चलिए आइए, जल्दी आइए, अब अंधेरा हो रहा है गाइज। तो हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, चला जाए कहीं से। अभी हमको मार्केट भी निकलना है, अभी साग सब्जी कुछ यहाँ पे लेना था, लेकिन अभी वो सब पानी डाल रहे हैं। शाम के वक्त पौधों में अपने खेतों में पानी डालते हैं सब, नदी से उठा उठा के मेहनत काफ़ी करते हैं, डिब्बे में भर के फिर ले आके हर पेड़ के नीचे हर थाले में पानी डालते हैं। वही सब कर रहे थे इसलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए, चल रहे हैं मार्केट से ही ले लेंगे। मार्केट में भी इन लोगों की दुकान रहती है, तो संगम वाला नज़ारा देख सकते हैं। केवल मिनट देखिए संगम का नज़ारा। संगम जब मेला लगता है तब यहाँ पे अच्छा लगता है, बाकी तो सब मैदान ही मैदान रहता है। इस समय तो सब ख़त्म, फिर जब माघ मेला शुरू होता है जनवरी में तो पूरा शहर की तरह बस जाता है। और इस समय सब बिजली पानी खंभे रोड जो सड़कें बनाई जाती हैं चद्दर वाली और पीपा वाला पुल, तो सब के सब उखाड़ दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, सब मैदान हो जाता है, खेत केवल सिर्फ आपको दिखेगा। मेले के समय अच्छा लगता है, जगमग जगमग पूरा रहता है। वहीं आ गए सिया जी हम लोग उसी नाले के पास में, आराम से बस पैर तिरछे करके निकल लीजिए। आज हम लोग आ गए रूम पे, घर पे आ गए, काफ़ी लंबी जर्नी रही मिट्टी में। मैं जा रहा हूँ मार्केट, जा रहा हूँ मार्केट। ठीक मैडम जी, अभी बैग धुल रहे हैं इस टाइम, क्यों नहीं धुलते हैं? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो आ गए हम मार्केट से वापस आ गए। देखिए सिया जी, लीजिए कद्दू बनाइए। तो सिया जी चल रहे हैं अब कद्दू बनाने। कद्दू के साथ क्या बनेगा? पूड़ी। चलिए अच्छा है, कद्दू पूड़ी का कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक है बनाइए फिर। गाइस हम लोगों का खाना पीना रेडी हो गया है, सिया जी रेडी कर दी हैं सब्जी पूड़ी, और दिखाते हैं अभी आपको। ओके सब्जी पूड़ी और ये सलाद रेडी है। क्या सिया जी खाना खाया जाए? ठीक है खाना खाते हैं हम लोग। गाइस तो वीडियो पे एंड कर रहे हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।